Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the SYBCOM semester 4 examination of accountancy and financial management, and we are going to discuss every chapter by chapter, the basics of each chapter. So hum sare chapter ke basics ke bare mein aaj hum baat karne wale hain. जो बेसिक्स की वजह से आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एज वेल एज आपको उससे रिलेटेड एग्जाम में भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं लास्ट में आपको टिप्स भी देने वाला हूँ. तो पहला पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस. आपका जो सिलेबस है, टोटल आपका सिलेबस में आपको सिर्फ तीन ही चैप्टर है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएगा. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस है, सेकेंड है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एंड द थर्ड चैप्टर इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिलेबस काफ़ी कम है और आपको 100 मार्क्स का पेपर पूरे सिलेबस के ऊपर पूछा जाएगा. तो ओवरऑल आपका 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल सॉल्विंग क्वेश्चन होगा एंड रिमेनिंग 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड थियोरी होंगे. तो अब हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक चीज़ें उस चैप्टर में क्या है. चैप्टर नंबर वन इफ़ यू टेक, दैट इज़ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस. तो इस चैप्टर में टोटल दो लेवल्स है, एक है फ्रेश इशू गिवन, दूसरा है फ्रेश इशू नॉट गिवन. तो फ्रेश इशू गिवन का वैरायटी जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज ये फ्रेश इशू गिवन में हमारे सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे और हमें 15 में से 15 मार्क्स मिलेंगे. सेकेंड वाला जो वैरायटी है वो है फ्रेश इशू नॉट गिवन. तो अगर आप लास्ट दो तीन सालों के यूनिवर्सिटी पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी इज़ मोर फोकसिंग ऑन बोथ द लेवल्स एंड दे आर गिविंग यू ऑप्शन फॉर सेम चैप्टर. तो रिडम्पशन के ऑप्शन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस ही पूछा गया है आज तक, तो उसी के बेस पे आप अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस में अगर हम देखें तो फ्रेश इशू गिवन की जो वैरायटी है उसमें हमें सिर्फ CRR कैलकुलेट करना होता है, एंड फ्रेश इशू नॉट गिवन में हमें फ्रेश इशू भी गिनना पड़ता है, उसके बाद हमें CRR भी कैलकुलेट करना पड़ता है. तो ये पूरे चैप्टर का जो बेस है वो आपको मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस के जो बेसिक जर्नल एंट्री है फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस, वो सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. तो अकॉर्डिंगली अगर आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे के सारी जर्नल एंट्रीज का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है. आप वो वीडियो को एक बार चेक कर ले सो दैट आपका पूरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस उस पॉइंट से रिलेटेड रिवाइज हो जाएगा. अगर हम एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो किस टाइप के एडजस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है, तो अगर हम चेक करें तो देखो, एक तो हमारा फ्रेश इशू का एंट्री आएगा, एक हमारा इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री आएगा. तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड आपको ध्यान से देखना है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में इन्वेस्टमेंट सोल्ड दिया है तो हमें ये चेक करना है कि वेदर वी आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट्स एट प्रॉफिट और वेदर देर इज़ लॉस. अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा. तो उस बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री करना है. फिर रिडम्पशन ड्यू का एक एंट्री होता है, फिर सेकेंड हमारा एडजस्टिंग प्रीमियम का एंट्री होता है, फिर नेक्स्ट हमारा CRR का एंट्री होता है, और लास्ट हमारा सेटलमेंट का एंट्री होता है. तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, जैसे नॉन ट्रेसेबल के बेस पे एक एडजस्टमेंट होता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. फिर पार्टली पेड अप अगर दिया है तो फाइनल कॉल के दो एंट्रीज आते हैं, फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड. एंड अगर बोनस का एडजस्टमेंट आया तो बोनस शेयर्स के लिए भी आपको दो एंट्रीज करने पड़ेंगे. वन विल बी क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बोनस शेयर्स विच विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम CRR, एंट्री बन जाएगा CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए एंट्री बन जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस में इतनी ही लेवल्स है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है उसकी बेसिक्स पे, और बेसिक्स अगर आप ध्यान रखें तो फ्रेश इशू गिवन वाली वैरायटी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना, बिकॉज अगर फ्रेश इशू नॉट गिवन वाली वैरायटी आप करोगे और उसमें अगर कुछ गलती हो जाएगी तो आपका फ्रेश इशू का जो एंट्री है वो रॉन्ग हो जाएगा और उस बेस पे आपकी सारी चीज़ें रॉन्ग हो सकती है. तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 6 एंट्रीज ओवरऑल आते हैं, एक फ्रेश इशू, एक इन्वेस्टमेंट सोल्ड, एक रिडम्पशन ड्यू, एक एडजस्टिंग प्रीमियम, एक CRR और एक सेटलमेंट. अगर 6 एंट्री की बात करें और पर एंट्री को अगर 2 मार्क्स दिए तो 12 मार्क्स हो जाते हैं और रिमेनिंग आपके वर्किंग नोट्स को दिए जाएंगे. तो ये था हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस का चैप्टर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है. नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, दैट इज़
प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. सो पी पी आई इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर, बट इन पी पी आई वी शुड मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स. टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो इसका बेस है. अगर वो आपको कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैंने एक वीडियो कल ही अपलोड किया था अबाउट बेसिक्स ऑफ पी पी आई, वो आप चेक कर सकते हैं. मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. मैंने आज तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं अबाउट अकाउंटेंसी में उसका लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ. फिर हम जैसे ही हमारा अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ऑडिटिंग की भी एक सीरीज स्टार्ट कर लेंगे. तो पीपीआई का बेस अगर देखा जाए तो वी नीड टू कैलकुलेट टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो. आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि विच आर द एक्सपेंसेस रिलेटेड विद टाइम रेशियो, विच आर द एक्सपेंसेस रिलेटेड विद सेल्स रेशियो, विच आर द एक्सपेंसेस विच बिलोंग्स डायरेक्टली टू प्री इनकॉर्पोरेशन, और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो डायरेक्टली पोस्ट में जाता है. तो टाइम रेशियो की अगर हम बात करें तो टाइम रेशियो से रिलेटेड सारे फिक्स खर्चे जाते हैं. जो भी आपका फिक्स एक्सपेंस होगा वो टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, जो भी आपका वेरिएबल एक्सपेंस होगा वो सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा, और जो भी एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो, पार्टनर सैलरी हो, वेंडर सैलरी हो, ये सारी चीज़ें डिवाइड नहीं होती है. ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्री इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्टली पोस्ट करते हैं हम. फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द कंपनी इज पोस्टेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के कुछ गिने चुने पॉइंट्स है जो हर बार रिपीट होते हैं, एंड वो पॉइंट्स है डायरेक्टर फीस की बात करें हम तो डायरेक्टर फीस पोस्ट में जाता है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो पॉइंट वो पोस्ट में जाता है. गुडविल रिटर्न ऑफ पॉइंट पोस्ट में जाता है. आरडीडी पोस्ट में जाता है. प्रपोज डिविडेंड पोस्ट में जाता है. प्रोविजन फॉर टैक्स पोस्ट में जाता है. फिर इसी के बेस पे अगर देखें डिबेंचर इंटरेस्ट एक पॉइंट है कॉमन, वो पोस्ट में जाता है. तो अकॉर्डिंगली हमें उसी के बेस पे पॉइंट्स को याद रखना है, एंड जो टाइम और सेल्स रेशियो है उसके बेसिस पे डिवाइड करना है. तो आपका पीपीआई ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है. अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें तो डेप्रिसिएशन के ऊपर एडजस्टमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बहुत सारे यूनिवर्सिटी पेपर में पूछा है. फिर रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट बन जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट. सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो बहुत सारे पेपर्स में आपको पूछा गया. तो आप उसका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं सो दैट आपको पेपर में उसी से रिलेटेड या कोई डिफरेंट एडजस्टमेंट्स भी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो. तो पीपीआई के बारे में यही बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं वाइल सॉल्विंग, एंड वी कैन प्रिपेयर अ वर्टिकल फॉर्मेट टू सॉल्व द प्रॉफिट एंड लॉस इन द कॉलमनर फॉर्मेट. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकम का टोटल करना है प्री इनकॉर्पोरेशन का. सिमिलरली हमें एक्सपेंसेस का टोटल करना है प्री इनकॉर्पोरेशन का. अगर हमारे इनकम अगर हमारा इनकम 1 लाख है से फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक्सपेंसेस 80,000 है तो 1 लाख में से 80,000 माइनस होके आंसर आपको 20,000 मिल रहा है पॉजिटिव फिगर, तो दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा. और अगर आपका इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, यही एग्जांपल ले रहा हूँ, इनकम आपका 80,000 है और आपका एक्सपेंसेस 1 लाख है तो आपको नेगेटिव फिगर आ रहा है 20,000 का, तो वो जो नेगेटिव फिगर है वो नेगेटिव फिगर ट्रांसफर हो जाएगा इन द गुडविल अकाउंट. सिमिलरली आपको पोस्ट में करना है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वहाँ आ जाएगा. दिस इज द बेसिक्स ऑफ पीपीआई. नाउ वी विल कम टू द चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अ वास्ट चैप्टर एंड विच इंक्लूड्स 2 levels इन द पेपर विच कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, एंड दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. वन इज़ कन्वर्जन मेथड एंड अनदर इज सिंकिंग फंड मेथड. तो कन्वर्जन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इसी के ऊपर लास्ट ईयर के पेपर में, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स पूछा गया है 15 मार्क्स के लिए. तो आप कन्वर्जन मेथड ऑप्शंस में ना रखें क्योंकि लिए कन्वर्जन मेथड काफ़ी इजी है. अगर आप उसका वर्किंग नोट प्रॉपरली बना लोगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट वैरायटी विल बी सिंकिंग फंड. तो सिंकिंग फंड के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. सिंकिंग फंड वी नीड टू प्रिपेयर अ लेजर, एंड अकॉर्डिंगली लेजर जो बनेगा सिंकिंग फंड अकाउंट एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, उसके बेस पे आपको 4 years 5 years के जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला जा सकता है, मतलब लेजर बनाने के लिए. लेकिन 4 to 5 years का अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो वो सिमिलर पैटर्न में चलता है. तो सिंकिंग फंड भी काफ़ी इजी हो जाता है, बट सर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन सिंकिंग फंड. तो आप अगर देखें तो कन्वर्जन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. एक तीसरा भी लेवल है जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था, उसके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, एंड दैट इज कन्वर्जन मेथड के ऑप्शंस के साथ एक क्वेश्चन आया था कंबाइंड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी दिया गया और उसी क्वेश्चन में आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशेस भी दिया गया. तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगर कन्वर्जन मेथड में आता है तो पहला आपको DRR का एंट्री करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR. 25% आपको लेना है डिबेंचर्स के वैल्यू का. तो डिबेंचर्स के वैल्यू का 25% अगर आप ढूंढेंगे तो आपको एंट्री नंबर 1 जो है डिबेंचर्स में P&L टू DRR.
फिर नेक्स्ट एंट्री आपका होगा रिडम्पशन ड्यू का, फिर उसके बाद होगा एडजस्टिंग प्रीमियम का, उसके बाद होगा सेटलमेंट का, और उसके बाद हमें करना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज DRR का बैलेंस जनरल रिजर्व में भेजना है। तो एंट्री होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंशर्स अगर कंबाइंड आया तो इतने आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करने हैं, और प्रेफरेंस के हमारे कॉमन एंट्री है रिडम्पशन ड्यू, एडजस्टिंग प्रीमियम, CRR का एंट्री और सेटलमेंट का एंट्री। तो दोनों मिला के कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसका भी प्रैक्टिस करके रखें, बिकॉज सिलेबस काफ़ी कम है तो एग्जामिनर को जो क्वेश्चन सेट करने हैं उसमें से एक कोई भी चैप्टर के ऊपर दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दो तीन लेवल्स है, तो उस बेस पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में जो कन्वर्जन मेथड है वो आप बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखें, तो अकॉर्डिंगली उस बेस पे आप। तो यही था कुछ बेसिक्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आपको कन्वर्जन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और कंबाइंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके रखने हैं। सो ये थे हमारे चैप्टर्स के बारे में। अभी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ फॉर दी अकाउंटेंसी पेपर। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट योर ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, और थ्योरी को लास्ट में रखें। बीच में हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, अटेम्प्ट थ्योरी क्वेश्चंस लास्ट, एंड चॉइस ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो पहले डिसाइड करें कि आपको वो क्वेश्चन कितना कंफर्टेबल है, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमने प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिया और वो फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल हम करने वाले वो अगर हमारा गलत हो गया तो हमारा मॉरल तभी डाउन हो जाता है कि मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया है। इसलिए इट्स बेटर टू डिसाइड द क्वेश्चन, स्पेंड योर फाइव मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन, डिसाइड द क्वेश्चन फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर डिसाइडिंग फिर वो क्वेश्चन पूरे का पूरा हमें अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए चॉइस ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर इज कंसर्न। अभी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो 2:30 को आपको पेपर मिलेगा, 2:30 to 2:50 तक आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख लेने हैं, फिर 2:55 से लेके 3:00 तक आपको डिसाइड करना है 5 मिनट्स में कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और एक बार क्वेश्चन आप डिसाइड कर लोगे, प्रॉपर पढ़ लोगे, उसके बाद फिर हम आगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो 5 मिनट्स दे दो, प्रॉपर पढ़ो और डिसाइड करो क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3:00 to 3:30 तक हमें 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3:35 से लेके 4:05 तक हमारा सेकेंड सम हो जाना चाहिए, मतलब 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, फिर 4:10 से लेके 4:35 तक हमारा तीसरा सम हो जाना चाहिए, और 4:35 से लेके 4:55 तक हमारा फोर्थ सम हो जाना चाहिए, और 4:55 से लेके 5:25 तक हमको थियोरी अटेम्प्ट करनी है। ये मैंने ओवरऑल एक टाइम आपको अलॉट करके दिया है। आप हो सके तो 15 मिनट्स पहले ही थ्योरी कंप्लीट करके 5:15 टू मैक्स 5:20 तक हमारा ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर का जो भी सॉल्विंग होगा वो आपका 5:20 तक पूरे का पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप 5:20 तक पूरा पेपर कंप्लीट करोगे तो 10 मिनट्स आपके पास इन हैंड रहेगा, उस बेस पे आप चेक कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स मैंने 5:25 का टाइम दिया है, उस बेस पे आप सब कुछ कंप्लीट करके 5 मिनट्स चेक करके पेपर सबमिट कर सकते हो। दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहता हूँ सो दैट आपको लास्ट मिनट में जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हेल्प हो सके और आपका एग्ज़ाम और भी अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओ। मैंने जितने भी आज तक लेक्चर्स लिए हैं SY से रिलेटेड वो सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लिंक को प्रॉपर चेक करें और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर, बी स्मार्टर। थैंक यू।